नमस्कार, आप देख रहे हैं पार्लियामेंट्री बिजनेस। मैं हूं आपके साथ हर्षा शर्मा। शुरुआत करेंगे आज की खास खबरों के साथ। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज, कोरोना और भारत चीन तनाव को लेकर होगी चर्चा। मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रूसी नेताओं के साथ आज बैठक। एलएसी पर तनाव दूर करने के लिए चीन के साथ आज फिर हो सकती है सैन्य स्तर की वार्ता। असम में जेपी नड्डा आज बीजेपी की वर्चुअल रैली संबोधित करेंगे। यूपी के चार वरिष्ठ जेल अधीक्षकों का तबादला, लखनऊ जेल अधीक्षक पीएन पांडे नैनी जेल भेजे गए। जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को ढेर किया, सीआरपीएफ का एक जवान घायल। अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू, सीएम रूपानी ने की शुरुआत। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की तादाद 90 लाख के पार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा निलंबित किया, इससे भारत समेत दुनिया के आईटी प्रोफेशनल को बड़ा झटका लग सकता है। सऊदी अरब ने कहा कि वह इस साल हज का आयोजन करेगा, लेकिन कोरोना वायरस के कारण केवल सऊदी अरब में रहने वाले लोग ही हज कर सकेंगे। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ पार्लियामेंट्री बिजनेस पर।